अंतरराष्ट्रीय पद्धर की कुश्ती खिडारन बबीता फोगाट और उन्होंने पिता से कुश्ती कोच महावीर फोगाट भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई। दस दिए कि बबीता फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि वह PM नरेंद्र मोदी की बहुत वड्डी फैन है ते ओहो उना दे कम्मा तो प्रभावित है। उन्होंने कहा कि मैं पहला भी BJP में शामिल होना चाहती सी पर खेड की वजह तो पार्टी नाल जुड़ नहीं सकी। हमें बहुत खुशी है क्योंकि तो मैंने तो हमारे तो प्रधानमंत्री जो राम को घटना दूसरे बाद बदला लिया और जो अब जो सत्ता का पैकेज ये हटाना ये मेरे को सारी दुनिया को प्रभावित तो आज तक ये इतिहास अध्ययन सारी दुनिया तो काम के आया तो इतना हिन्दुस्तान का कोई भी पार्टी 370 और 35 एक हटाने वाली मैं इसे प्रभावित होया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं बड़े सभा बढ़िया सभा होते हैं बढ़िया काम करते हैं स्पष्ट काम करते हैं। हमारे जो है अजय जी हैं हमारे BJP के सरल स्वभाव है राजनीति उनकी पार्टी से प्रभावित होकर मैंने जो बीजेपी पार्टी को छोड़ करके मैंने अपने सबसे बढ़िया बड़ा परिवार जेपी जी को ज्वाइन किया। मैंने बड़ी किसी की हुई खुशी है मेरे बड़ा परिवार में आ गया और जो पार्टी जो मेरी दोस्त व्यवहार लगाएगी मैं विश्वास जाता हूँ पार्टी को मैं इंतजार करूंगा पार्टी के बहुत ही आदर सम्मान से यहाँ पर विराजमान हमारे खेल मंत्री जी किरण रिजिजू अनिल जैन जी और BJP पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो सम्मान प्यार मुझे के साथ मुझे इस परिवार से जोड़ा है और मैं बहुत कहूंगी कि मैं नरेंद्र मोदी सर की मैं बहुत बड़ी फैन आज से नहीं मैं बहुत सालों पहले से जब उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने थे तब से मैं उनकी फैन हूँ और उनके कार्यों से मैं प्रभावित थी और क्योंकि गेम में मैं थी इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी लेकिन आज मैं मुझे इस परिवार से BJP परिवार से जुड़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और खासकर जो 370 ए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाई है उससे तो मतलब एक फैन भी मैं कह सकती कि मैं कुछ अलग ही मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसके ऊपर खुशी होगी और हर कोई मुझे लगता है BJP परिवार से जुड़ना चाहेगा क्योंकि इतिहास के अंदर जो इन्होंने एक पन्ना जो पलट के रख दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो शायद सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे BJP परिवार को और आप सब लोगों का भी कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे सम्मान दिया प्यार दिया उसके लिए मैं एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।